जिंदाबाद मामा जी, मजा ही आ गया, बहुत मजे की बनी है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सबीना किरण व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी, आज बड़ी ज़बरदस्त सी हैदराबादी बिरयानी जो है वो हमने बनाई, तो मैंने कहा कि यूट्यूब फैमिली के साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। हमने टोटल 4 किलो बिरयानी बनाई थी जी, जिसमें 2 किलो चिकन और 2 किलो राइस जो है उसके साथ मसाले ऐड किए थे। तो उसके हिसाब से आपने 2 किलो चिकन को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नमक। साथ ही जी, यहाँ पे हमने कश्मीरी सुर्ख मिर्च जो है वो इस्तेमाल की है। आप लोग अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ी सी तेज़ होती है। इसके बाद जो है वो लहसुन अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने जो है वो 2 टेबल लहसुन का पाउडर और 2 चम्मच अदरक पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर जो है वो 1 चम्मच यूज़ किया है, और साथ में हल्दी यूज़ की है। हल्दी के बाद जी, यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है, ये भी आपने 2 टेबल स्पून ले लेना है। और साथ में जी, टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए काली मिर्च ऐड की गई है, क्योंकि ये बिरयानी जो है वो थोड़ी स्पाइसी होती है, तो इसलिए काली मिर्च जो है वो ऐड की गई है। और साथ में जो है वो कसूरी मेथी, कसूरी मेथी इसके टेस्ट को थोड़ा मज़ीद इन्हेंस कर देगी, और इसके साथ बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है, आपको पता है, कसूरी मेथी यूज़ करने से। साथ में जी, हमने जो है वो बिरयानी मसाला ऐड कर लेना है। अब आप बाज़ार का बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो ख़ुद से कूट के रखा हुआ है जी। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो डेरी क्रीम यूज़ की है जी, वो तकरीबन आपने 1 कप के हिसाब से यूज़ कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसमें दही ऐड कर लेना है 1 प्याली। तो इसमें चिकन को आपने कर लेना है अच्छे से मैरिनेट, अच्छे से मिक्स 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 करके। हम ये देखें मिक्स कर रहे हैं, और इसको हम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन अच्छी सी इसकी, ताकि सारे मसालों का टेस्ट जो है वो चिकन में आ जाए। और उसके बाद हमने डाला है जी इसमें ऑयल। तो ये ऑयल कौन सा यूज़ किया है जी यहाँ पे मैंने, जिसमें हमने प्याज को किया था गोल्डन ब्राउन, प्याज़ किया था जी गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद जो उसका ऑयल था उसमें इसको जो है वो मैरिनेट रखना है थोड़ी देर के लिए। तो अब हमने जो ब्राउन की हुई प्याज है वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है, और अब ऊपर से कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड करके इसको हम पका लेंगे, ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चिकन जब थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर हम इसकी लगाएंगे जी तहें, और तह वाली जो है जी ये हैदराबादी बिरयानी तैयार होगी। तो एक साइड पे हमने जो है वो पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, जिसमें कि हम चावल बॉयल करेंगे अलग से। तो इसमें हमने थोड़े से जो है वो साबुत गरम मसाला डाला है, जिसमें दालचीनी है और थोड़ी इलायचियाँ हैं और 2-3 लौंग हैं। तो ये डाल के आपने जो है वो अपने चावल जो है अच्छे से बॉयल कर लेने हैं। तो ये देखें जी, चावल बॉयल हो चुका है। चावल को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस एक कनी जो है वो रह जाए, यानी कि इतना आपने बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना। उसके बाद आपने जो है वो जी पतीले के अंदर, जिसमें आपने चिकन जो है जी रेडी किया है अपना, गला लिया है थोड़ा सा, उसके अंदर हमने ऊपर से चावलों की तह लगाई है, और ऊपर से हमने डाल दिया है जी फूड कलर। तो फूड कलर आप अपने हिसाब से कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन बिरयानी में ये देख लें जी, जर्दा कलर जो है वो यूज़ किया जाता है। साथ में हमने जी पुदीने का रायता बनाया ज़बरदस्त सा, तो बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया जी। जिंदाबाद मामा जी, मजा ही आ गया, बहुत मजे की बनी है। वाह मामा जी, यू आर द मास्टर शेफ। तो उम्मीद करते हैं जी कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ज़बरदस्ती हैदराबादी बिरयानी जो है आप लोग भी बनाइएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।